नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। अब वैसे तो मुझे लोगों की निजी ज़िंदगी में झांकना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से ऐसी अफवाहें हैं जो काफ़ी चिंताजनक हैं। एंड दिस इन्वॉल्व्स बॉलीवुड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड कपल अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय बच्चन। क्या है मामला, इस पर बात करेंगे विस्तार में, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एक्टर अभिषेक बच्चन, सन ऑफ लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन एंड ऐश्वर्या राय, फॉर्मर मिस वर्ल्ड, अ पॉपुलर एक्टर ऑफ हर टाइम। अब इन दोनों की शादी को 17 साल हो चुके हैं। एक प्यारी सी बच्ची है आराध्या, जो शायद अब कुछ आई थिंक 13 साल की हो चुकी होगी। और जब इन दोनों की शादी हुई थी 2007 में, तब नॉट जस्ट देयर रिस्पेक्टिव फैमिलीज बट इवन फैंस, दे वर ऑल हैप्पी बिकॉज यहाँ पे एक तरफ है सन ऑफ लेजेंडरी एक्टर एक बड़े परिवार से, और दूसरी तरफ थी विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय। एंड उस वक्त जब इनकी शादी हुई, सबको लगा कि बस अब तो यहाँ पे ज़िंदगी भर यू नो ये परिवार खुश रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन द लास्ट मंथ अगर आप देखें, कई ऐसे रूमर्ड खबरें आ रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल इन दिस पैराडाइज। और दुर्भाग्य से ऐसा भी स्ट्रॉन्गली कहा जा रहा है कि शायद अब ये पैराडाइज टूट चुका है एंड प्रोबेबली अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर हेडेड फॉर डिवोर्स। अब इस रूमर के पीछे एक पति पत्नी और वो का भी एंगल आ गया है। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है, ये सिर्फ शायद एक प्लेन रूमर है। एंड द वन पर्सन हु इज बीइंग ब्लेम्ड परहैप्स फॉर द ब्रेकडाउन इन दिस रिलेशनशिप इज एक्टर निमरत कौर, जिन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ एक फिल्म की थी 10वीं। और ऐसा जो अफवाहें कह रही हैं कि 10वीं के दौरान अभिषेक बच्चन और निमरत कौर का अफेयर हुआ, लेकिन फिर ऐसा कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन बिकॉज ही न्यू ही इज मैरिड विद अ चाइल्ड, और फिर उन्होंने अपना ये अफेयर रिपोर्टेडली तोड़ दिया था निमरत के साथ। अब इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, वेल मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे दुर्भाग्य से निमरत कौर वो इस अभिषेक और ऐश्वर्या के रिश्ते में तो एक वो बन के आ गई है। कुछ अजीब और गरीब मीम्स बनाए जा रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभिषेक बच्चन उनकी ट्रोलिंग ऑब्वियसली ज़्यादा हो रही है कि वो अपनी फरारी यानी कि ऐश्वर्या राय को छोड़ के एक टोयोटा या मारुति निमरत कौर और उनके प्यार में पड़ गए। मैं वंस अगेन कह देता हूँ कि ये सिर्फ रूमर्ड गॉसिप है, अब तक कुछ इन चीज़ों में कोई पुष्टि नहीं हुई है। जाहिर है क्योंकि पर्सनल मैटर है तो कोई बोलेगा नहीं। अभिषेक बच्चन ऑब्वियसली यू कैन चूज़ वेयर यू आर बॉर्न, अब वो अमिताभ बच्चन साहब के बेटे हैं। एंड पर्सनली आई बिलीव अभिषेक हिमसेल्फ इज़ अ टैलेंटेड एक्टर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका करियर देखें हमेशा ऊपर नीचे ही रहा है। देर आर बीन परहैप्स मोर लोस देन डाउन्स। और अर्ली दिस ईयर कुछ ऐसे भी अफवाह आई थी कि बच्चन परिवार के अंदर टेंशन है कि शायद सब रूमर्स थे ये कि अमिताभ बच्चन सब कुछ छोड़ के शायद वो अयोध्या चले जाएंगे। एंड देन ऑब्वियसली देवर अफवाहें थी अबाउट बच्चन अमिताभ बच्चन, उन्होंने जो अपने कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो अपनी एक बेटी के नाम की है, एक अपनी वाइफ के नाम की है। और लेकिन ये कहा गया था कि अभिषेक और ऐश्वर्या के नाम कुछ नहीं है। अब घर की बात है, अब घर में क्या हो रहा है, आई थिंक इस पर झांकना आउटसाइडर्स के लिए मेरे ख्याल से उचित नहीं है। लेकिन आई थिंक इन दीज रूमर्स गेंड मोमेंटम फ्रॉम द टाइम जब हाल ही में जब आमिर खान और उनके बेटे अमिताभ बच्चन के शो KBC में आए थे। मैंने वो शो देखा तो नहीं, लेकिन उस दौरान कहा गया कि इन ऑनर ऑफ अमिताभ बच्चन शो के अंदर बच्चन परिवार के इमेजेस विजुअल्स दिखाए गए, जिसके अंदर ना ही निखिल नंदा था जो अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा के शायद नाउ फॉर्मर पति है, और देर वॉज नो मैंशन या नो विजुअल और पिक्चर ऑफ ऐश्वर्या राय। हाँ, शायद एक अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की जो पिक्चर थी शायद उसे दिखाया गया था, लेकिन उसके अलावा आपको ऐश्वर्या राय बच्चन इस शो के जो विजुअल्स है फैमिली विजुअल्स के अंदर उस पर नहीं दिखी थी। द अर्लियर गॉसिप वॉज लार्जली सराउंडिंग ऐश्वर्या राय और शायद उनकी सास जया बच्चन के बीच में बनती नहीं है, या फिर उनकी जो ननंद है श्वेता। लेकिन ओवर द पास्ट वीक जब से ये अभिषेक बच्चन की रूमर्ड अफेयर विद निमरत कौर यू नो ये बातें निकल के आई है, तो जाहिर है जो बच्चन परिवार के प्रशंसक है, जो ऐश्वर्या राय के प्रशंसक है, उन्हें काफ़ी झटका लगा है। आई थिंक अभिषेक उनकी ज़्यादा निंदा की जा रही है इस पूरे मामले में, और दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय कुछ सेक्सिस लोग वो ऐश्वर्या राय को भी ट्रोल कर रहे हैं। खैर, वी आर नॉट इनटू द बिजनेस ऑफ ट्रोलिंग, और मैं तो बस यही कहूँगा कि ऐसे रूमर्स पहले भी हुए हैं
और उस वक्त फॉर्चुनेटली दे जस्ट टर्न आउट टू बी रूमर्स। और मैं उम्मीद करूँगा कि इस बार भी अभिषेक और ऐश्वर्या राय के डिवोर्स की खबरें केवल एक रूमर ही हो।